प्रिय छात्रों, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग में 100% आपके बोर्ड एग्जाम में समीकरण संतुलित करने वाला सवाल आता ही होगा। दोस्तों, जिन छात्रों को समीकरण संतुलित करने नहीं आता है, इस वीडियो को मेरे साथ बने रहें, आपको समीकरण संतुलित हल करने भी आ जाएगा और मैं आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम यहां पर सोल्व करेंगे, जो आप 2-3 बार घर में रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा साइंस में केमिस्ट्री संतुलित समीकरण करने में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता होगा, साइंस का पेपर उठाइए, कोई भी पीछे वाली सवाल उठाइए, यह आपको जरूर मिलेगा संतुलित समीकरण करने के लिए। दोस्तों, आपको दिख रहा है यहां पर स्क्रीन में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं भी यह बहुत ही यूजफुल है कक्षा 12वीं के लिए भी। तो कोई बात नहीं, अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो आप भी बने रहें। दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। काफी मोस्ट है, ये 5 समीकरण है और 5ों समीकरण को इस वीडियो में बताएंगे और कैसे हुआ नहीं हुआ ये भी आपको मैं सिर्फ बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं वीडियो में बने रहना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, समझ में आ जाए, अच्छे पसंद लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा पहला है Fe2O3 प्लस Al एरो Fe प्लस Al2O3, दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट है, दोस्तों इसको हम कवर करेंगे। तो आइए पहले हम इसको जो है एक रफ कॉपी में हम इसको नोट करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर नोट करता हूँ दोस्तों, इसको यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है तो दोस्तों यहाँ पर जो है नोट कर चुका हूँ दोस्तों। तो Fe को क्या बोलते हैं हम, लोहा बोलते हैं, ऑक्सीजन 3 है और लोहा 2 है, प्लस एल्यूमिनियम जो है 1 है, एरो ये लोहा यहाँ पर 1 है और ये एल्यूमिनियम 2 है और O3 जो है हमारा ऑक्सीजन 3 है। दोस्तों एक्चुअली पहले आपको ये समझना है जो ये जो इस तरफ जो रहता है एरो के इस तरफ, इसको जो है हमारा LHS कहते हैं, LHS कहते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो एरो के उस तरफ रहता है उसे हम RHS कहेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड कहेंगे। दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर समीकरण संतुलित इजी, बहुत ही इजी तरीके से हो गए। ये देखिए क्वेश्चन में आपको पूरी तरीके से सोल्व करेंगे, तो एक रफ कॉपी का यूज करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में वो सवाल दिख रहा होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें आपको कैसे यहाँ पर यूज होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा Fe क्या है, Fe कितना हमारा Fe है 2, तो 2 लिख दीजिए। और पहले आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, ये जो हमारा जो FeO और ऑक्सीजन कितना 3 है, ये एक समूह में है ना। तो Fe कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो ये जो है एक समूह में है, तो इसको मिला देंगे, यानी कि एक ही घर का है, एक ही ग्रुप में है ना। अब देखिए एल्युमिनियम अलग ग्रुप में है, तो एल्युमिनियम जो हमारा वो कितना है 1 है, इसको अलग घर में यानी कि अलग ग्रुप है, ये घेर दिए हैं सबको, कितना कितना लिख देना आपको। अब देखिए बात करते हैं एरो को उस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ, तो हमारा Fe कितना है इसमें जो लोहा है हमारा वो 1 है और ये जो है अलग समूह का है, अलग ग्रुप का है, ये अलग ग्रुप में है और ये अलग ग्रुप में है। तो इसमें एल्युमिनियम कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एल्युमिनियम 2 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा कितना है 3 है, तो ये जो है एक ग्रुप में है, तो इसको एक ग्रुप में मिला देंगे। अब देखिए आपको मैच करना पड़ेगा, इधर बराबर तो इधर भी बराबर, यहाँ पर कॉमन लगता है, एरो का जो निशान है यानी कि कॉमन होना चाहिए, तो LHS और RHS दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो बात करते हैं Fe यहाँ पर कितना है, Fe यहाँ पर 2 है और यहाँ पर Fe कितना है 1 है, तो दोस्तों कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2 से इसको गुना कर देंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2। अब देखिए Fe कितना हो गया 2 हो गया, Fe 2 हो गया, दोनों तरफ मैच हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हमारा 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है, ये भी बराबर हो गया, यानी कि लोहा भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम 1 है, इसमें एल्युमिनियम कितना है 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर 1 जो है ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बराबर होना चाहिए, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, 2 × 1 = 2। अब देखिए दोस्तों एल्युमिनियम कितना हो गया हमारा, एक्चुअली में 2 हो गया, यहाँ एल्युमिनियम जो है 2 हो गया, तो सब बराबर हो गया, Fe2 और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम 2 और एल्युमिनियम 3, तो इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, ना इधर ज्यादा ना इधर कम, है ना दोस्तों। अगर इधर जो है अगर 100% होता है तो इस तरफ जो है RHS की तरफ भी 100% होता है, यानी कि दोनों तरफ कॉमन यानी कि बराबर होना जरूरी है। तो आप दोस्तों आप किस किस ग्रुप में आपने माना, कितने से गुना किए हैं, तो बात करते हैं दोस्तों, ये जो है Fe, ये नहीं कि ये ग्रुप है, Fe जो है हमारा इस ग्रुप में है, तो इस ग्रुप से कितना से गुना किए थे 2 से, यहां पर आप 2 लिख दीजिए, बस ये समीकरण बिल्कुल आसान तरीके से हल होगा। अब देखिए
एलुमिनियम में इस ग्रुप में मैंने दो गुना किए थे, तो एलुमिनियम यहाँ यहाँ दो लिख दीजिए और ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया है, बिल्कुल हो गया है दोस्तों। अब देखिए ना इस ग्रुप में मैंने गुना किया था ना इस ग्रुप में गुना किया था, ये दोनों जो है इससे गुना के दो इससे गुना के यानी कि दोनों जो है गुना के बराबर हो गया, और जिस ग्रुप से आप जितना भी गुना करोगे वहाँ पर देना बिल्कुल ज़रूरी होता है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर एफ ई यहाँ पर वन था तो दो से गुना के दो यहाँ पर लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, लोहा कितना है दो है तो यहाँ लोहा कितना है दो है, ऑक्सीजन कितना है तीन है तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पर तीन है, एल्युमिनियम कितना है तो दो है तो एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है दो है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो आई होप पहला रासायनिक समीकरण आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा समीकरण, दोस्तों अगर आप समझ गए हैं तो मैं आप जरा सा स्पीड बनाऊंगा, दूसरा समीकरण को पहले मैं दूसरे पेज में उतार लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने दूसरा समीकरण को यहाँ पर रफ कॉपी में यहाँ पर नोट किए हैं, ये देखिए एन ए यानी कि इसको सोडियम कहेंगे, सोडियम दो है और यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, यहाँ पर यानी कि ए सल्फर हो जाएगा और ओ जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, तो सल्फर एक है ऑक्सीजन चार है। ये देखिए बेरिलियम बी ए एक है और क्लोरीन जो हमारा दो है, और ये देखिए बी ए एस ओ फोर प्लस एन ए सी एल, इसको मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ दोस्तों। अब इसको संतुलित समीकरण कैसे करना है देखिए बिल्कुल उसी तरीके से शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपको हर एक ग्रुप को मान रखना है, जैसे कि ये देखिए हमारा सोडियम, ये तो पहले तो ये जो है ये एक ग्रुप में है, 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 तो देखिए एन ए सोडियम कितना हमारा, सोडियम हमारा दो है, यहाँ देखिए सोडियम दो है। अब देखिए ये जो है सल्फर, सल्फर हमारा एक है और ऑक्सीजन चार है, ये जो चार जो ये जो चार है वो सल्फर के लिए नहीं, ये ऑक्सीजन के लिए है, तो ऑक्सीजन हमारा वन हो जाएगा और सॉरी सल्फर हमारा वन हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर चार हो जाएगा, और ये चारों जो है तीनों जो है एक ही ग्रुप में था, एक ही घर में इसको दे देंगे। अब आते हैं बी एस फोर, यानी कि ये जो हमारा ये जो है एल एच एस है और ये आर एच एस है, तो इसी में काम करेंगे इसको हम। तो बी ए यानी कि बेरिलियम कितना है वन है, और सी एल यानी कि कार्बन कितना हमारा है क्लोरीन सॉरी क्लोरीन कितना है दो है, तो इसको भी एक ही ग्रुप में रखेंगे। अब बात करते हैं उस ग्रुप में, तो बी ए हमारा कितना है, बी ए वन है और ए सल्फर हमारा वन है और ऑक्सीजन हमारा चार है। देखिए सिंपल इसी तरीके से इसको भी यूज़ किए हैं, ये भी एक ग्रुप में इसको भी बांट देंगे। अब देखिए हमारा सोडियम एन ए कितना है, सॉरी ये दो ये जो है एक ग्रुप में है, सोडियम कितना है, सोडियम वन है और क्लोरीन हमारा वन है, ये जो है एक ग्रुप में है, इसको भी एक ग्रुप में मान देंगे दोस्तों। देखिए सोडियम कितना है दो है, यहाँ पर सोडियम कितना है वन है, तो मैच नहीं हो रहा है, इसको दो से आपको गुणा करना पड़ेगा है ना। तो दोस्तों इसको दो से गुना करने के बाद देखिए दो इकाई दो हो जाएगा और दो इकाई दो, तो अब देखिए सोडियम कितना है दो है, सोडियम यहाँ पर कितना है दो गया यानी कि मैच कर गया। अब देखिए यहाँ पर सल्फर कितना है दोस्तों एक है और यहाँ पर सल्फर कितना है एक है यानी कि दोनों मैच है। ऑक्सीजन की बात करते हैं ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन भी मैच है दोस्तों। बेरिलियम की बात करते हैं बेरिलियम वन बेरिलियम वन भी मैच हो गया, और क्लोरीन दो तो क्लोरीन यहाँ पर जो है सॉरी क्लोरीन जो यहाँ पर दो है तो क्लोरीन तो यहाँ भी दो आ गया, तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया यानी कि कॉमन आ गया। तो जहां जहां पे आपने गुना किए वहां पर आपको नोट कर देना है, जैसे कि मैंने NaCl पर यानी कि इस ग्रुप में दो नोट किए थे दो से गुना किए थे, तो आपको जो है यहां पर दो लिख देना है और मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए इस तरफ जितना है इस तरफ उतने रहेगा, ना इधर कम ना उधर ज्यादा, दोनों तरफ बराबर। अब देखिए हम दूसरा समीकरण तीसरा समीकरण को हल करेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तीसरा समीकरण क्या कर रहा, देखिए PbNO3 एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2 दोस्तों। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें बिना टाइम वेस्ट किए हो दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे, याद रहे दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर ये नोट हो गया दोस्तों। ये देखिए एक ग्रुप में है, ये एक ग्रुप में है, ये एल एच एस ये आर एच एस, अब इसको मान रखे हैं हम। तो प्लम्बम कितना है, इसको पीबी को प्लम्बम बोलते हैं दोस्तों। तो प्लम्बम जो हमारा है वो कितना है, वो वन है। और देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, याद रहे दोस्तों ये जो घेरा जो है ये नाइट्रोजन यहाँ पर दो है, ये दो जो है वो नाइट्रोजन के लिए भी है ऑक्सीजन के लिए भी है, और ये जो तीन है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन दो है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के लिए भी नाइट्रोजन के लिए भी है, तो नाइट्रोजन यहां पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है तीन है दोस्तों, तो ये ऑक्सीजन तीन पहले से था है ना, और उसके बदले यहां पर दो आ गया, तो तीन और दो को गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तीन दूना छह हो जाएगा, ये एक ग्रुप में हो गया है ना। अब देखिए इस ग्रुप की बात करते हैं, तो प्लम्बम यहाँ पर कितना है दोस्तों, प्लम्बम यहाँ पर वन है, ऑक्सीजन हमारा वन है, तो ये एक ग्रुप में हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन हमारा वन है, ऑक्सीजन हमारा दो है,
ये भी एक ग्रुप में हो गया। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीजन, हमारा अकेला जो है ऑक्सीजन दो है, इसको भी अलग ग्रुप में बांट देंगे। अब देखिए बराबर होगा कि सिर्फ होगा नहीं होगा, ये ध्यान देखें दोस्तों। तो प्लम्बम कितना हमारा वन है, इसमें प्लम्बम कितना वन है, ये दोनों बराबर हो गया। नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन वन, यहाँ पर दो है और यहाँ पर वन है, तो इसको क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे, दो इकाई दो और दो दूना चार। तो यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, दोनों यानी कि बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, छः है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो है, और यहाँ पहले से ये जो गुना हुआ ऑक्सीजन, इससे दो दूना चार, तो ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर चार हो गया और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, दो हो गया, तो चार दो छः, तो इस तरफ भी छः ऑक्सीजन है, इस तरफ भी यानी कि इस तरफ भी छः ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ बराबर। ये देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ये देखिए चार है और ये ऑक्सीजन चार दो है, तो चार दो कितना हो गया, छः हो गया, और इधर छः पहले से था। अब दोस्तों इस पर आपने गुना किए हैं, वहां पर आपको मान लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए Pb इस पर नहीं बल्कि NO2 पर मैंने मान लगाया था, यानी कि नाइट्रोजन पर मान लगाया था, यहां पर दो दे दीजिएगा। अब देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करें बार बार, देखिए आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए चौथा को हम लेकर देखते हैं, अगर आपको उसमें भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। ये सारे क्वेश्चन को रिविजन करना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने की लायक बन सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं कॉपी में, फिर इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने इस समीकरण को यहाँ पर नोट कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों कोई भी गड़बड़े नहीं है। ये Fe लोहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लोहा तीन है, ऑक्सीजन चार है, हाइड्रोजन दो है। अब ये पूरी तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपको ये देखिए पहले तो ये जो है LHS है, ये RHS है। देखिए तो ये जो है एक ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है। तो Fe हमारा कितना है, Fe वन है, इसको अलग ग्रुप में बांट देंगे। हाइड्रोजन कितना हमारा दो है, तो ऑक्सीजन हमारा कितना है वन है, ये दो जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, इसमें भी अलग ग्रुप में बांट देंगे। ये हमारा LHS कंप्लीट हो गया। RHS में बढ़ते हैं, तो Fe हमारा कितना है दोस्तों, Fe हमारा तीन है, ऑक्सीजन हमारा चार है, ये अलग ग्रुप में हो जाएगा। अब इसको बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, दो है, इसको भी अलग ग्रुप में बांट दीजिए। अब देखिए कौन ज़्यादा हो रहा कौन कम हो रहा, जिसके तरफ बराबर हो रहा उसके तरफ गुना करके कंप्लीट कर दीजिए दोस्तों। तो मिलाते हैं पहले Fe, लोहा कितना है वन है, यहाँ कितना है तीन है, मिस्टेक हो रहा मिस्टेक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है तीन से गुना कर देना पड़ेगा। तो तीन इकाई तीन हो गया, तीन को एक से गुना कर दिए, तीन इकाई तीन हो गया। तो अब देखिए Fe कितना, Fe कितना हो गया, तीन हो गया, Fe तीन बराबर हो गया, Fe मतलब लोहा बराबर हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर दो है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यानी कि हाइड्रोजन बराबर था, इसको बराबर करने की कोई फायदा नहीं है, ये दोनों बराबर है। अब देखिए दोस्तों आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कितना है हमारा यहाँ पर एक है और यहाँ ऑक्सीजन चार है, तो आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया, अगर आप इसको गुना करते हैं तो ये भी बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों इसको आप क्या करिए, चार से गुना कर दीजिए, चार दूना आठ और चार इकाई चार, तो ये देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर आठ हो गया, तो यहाँ पर चार से गुना कर दीजिए, चार दूना आठ। देखिए Fe3 ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन आठ कंप्लीट हो गया, यानी कि बराबर हो गया। अब जिन पे आपने गुना किए हैं उस पे आपको बैठा देना है। तो देखिए Fe पे मैंने तीन से गुना किए थे, तीन यहाँ पर बैठा दीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन पे मैंने H2O यानी कि जल पे मैंने चार से गुना किए थे, चार बैठा दीजिए। एजो के बाद देखिए Fe3O4 इस ग्रुप में नहीं गुना किए थे, इसी ग्रुप को जो है सिंपल उसी तरीके से लिख दिए हैं। अब बात करते हैं इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप में चार से गुना किए थे, चार यहाँ पर आप कंप्लीट कर दीजिए, ये हमारा समीकरण जो है बिल्कुल संतुलित हो चुका है। तो दोस्तों आई होप ये चार समीकरण मैंने आपको समझाए हैं, चार समीकरण, ये देखिए फर्स्ट समीकरण, दूसरा तीसरा चौथा, ये चार समीकरण समझाए हैं और ये पांचवा समीकरण बाकी रह गया है, इसको जो है आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप 5 नंबर सवाल को भी सोल्व करिए दूसरे वीडियो में, तो मैं आपको सोल्व कर दूंगा, पहले आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चारों क्वेश्चन हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको हेल्पफुल लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो से गुजारिश रहेगा दोस्तों, बार बार हमारे चैनल को रिपीट करिए, विजिट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।